Hello everyone. In last class I was discussing about the rules of narration. Last class में हम narration के rules explain कर रहे थे कि narration को आप direct से कैसे indirect में change करेंगे, उसी के बारे में आज की class में हमें discuss करना है. तो last class में मैंने कुछ rules बताए थे, जिसमें last rule जो मैंने explain किया था, इसमें changes the tense, means tense को कैसे बदलते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का मीन जो फर्स्ट पार्ट होता है इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच तो ये मैंने बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा यू विल नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विल बी पास्ट टेंस यू विल हैव टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आल्सो. मीन्स प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है. और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट पास्ट टेंस में होगा देयर इज पास्ट में होगा तो यू विल हैव टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में होगा फ्यूचर में होगा तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है. और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाएगा. क्लियर? इसमें अब कैसे बदलेंगे ये भी मैंने बता दिया था. यदि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं. तो यहां तक हमारा हो गया था. तो आज कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं, इन रूल के बेस पे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, दो तीन सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे इसमें चेंजेस करते हैं. ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन द सम एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं कि कैसे इनको हम चेंज करेंगे. जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड कॉमा कॉमा द हॉर्स डाइड In the night. चलिए देखते हैं सेंटेंस को. इस सेंटेंस में क्या दिया है? He said, "Comma, the horse died in the night." तो ये पार्ट क्या है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब है. आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लो कि दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग पार्ट, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में है. रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमें किस में मिल रहा है? पास्ट टेंस में मिल रहा है. ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, मैंने ये भी रूल नोट करवाया है कि जब सेड होगा तो सेड को आप सेड में लिखोगे, जब से होगा तो से में लिखोगे, जब से टू होगा तो टेल में लिखोगे, जब सेज होगा तो सेज में लिखेंगे, सेज टू होगा तो टेल्स में लिखेंगे, सेड होगा तो सेड लिखेंगे, सेड टू होगा तो टोल्ड लिखेंगे. ये मैंने नोट करवा दिया. यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो नरेशन का पार्ट वन पार्ट टू आप देख सकते हैं, जहां पर सारे रूल्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं. तो यहाँ केवल सेड है तो आप सेड ही लिख दीजिए. असर्टिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है, यदि सेड आया हुआ है तो आप सेड को यहाँ पर सिर्फ सेड राइट करेंगे. आप टोल्ड में तब राइट कर चेंज करेंगे जब यहाँ सेड टू होगा, मीन सेड के बाद ऑब्जेक्ट होगा. ही सेड, ये भी रूल मैंने नोट करवाया कि असर्टिव सेंटेंस में वी शुड यूज कनेक्टिंग वर्ड कंजक्शन दैट. असर्टिव सेंटेंसेस में कंजक्शन दैट का यूज करते हैं. ओके, अब इतना हो गया हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हो गया, कंजक्शन हो गया. अब जैसे हम इंटर करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, सबसे पहला काम, जैसे आप रिपोर्टेड स्पीच के घर में जाओगे, उसके घर में एंट्री लेते ही आप सबसे पहले देखोगे कि उसकी फॉर्मेशन क्या है, वो सेंटेंस कौन सा है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये देखनी है कि सेंटेंस कौन सा है. तो सेंटेंस हमें पता चल रहा है कि ये दिया वो असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमें पता है कि हम असर्टिव रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि एग्जाम में आएगा तो वहां ये तो नहीं कहेगा कि असर्टिव का है, ये तो नहीं बोलेगा इंट्रोगेटिव का है या इंपरेटिव का, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप पहले फाइंड आउट करिए कि ये सेंटेंस कौन सा है, इधर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, या फिर एक्सक्लामेटरी या ऑपरेटिव. तो हमें दिख रहा कि यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो असर्टिव सेंटेंस जब हमें फाइंड आउट हो गया तो हम आराम से कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज कर लेंगे. ओके, अब देखते हैं द हॉर्स दिया हुआ, तो द हॉर्स को एज इट इज आप राइट कर दोगे.
क्योंकि प्रोनाउन होगा तभी चेंज होगा। द हॉर्स, अब टेंस कौन सा दिया है, डाइड इन द नाइट, मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज गिवन हियर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है। रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाएगा। अब कैसे बदलेगा, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, अभी मैंने बताया था यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, हैड डाइड इन द नाइट, हैड डाइड इन द नाइट। तो आप आसानी से सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, बस थोड़ी सी नीड है आपको प्रैक्टिस करने की, तो दो चार सेंटेंस में प्रैक्टिस में करवाता हूँ, आप अच्छे से मेरे साथ बनाते रहिएगा सेंटेंसेस को, और मुझसे पहले बनाने की कोशिश करिए अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो रूल मैंने बताए एक्सप्लेन किए हैं उसके बेस पर आप सेंटेंस बनाइए। एक सेंटेंस और देखते हैं प्रैक्टिस में, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, या फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, इसमें बिना ऑब्जेक्ट का मैंने बनाया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी राइट कर लेते हैं, ही सेड टू मी कॉमा आउट कॉमा आई एम डूइंग माय वर्क, ठीक है, इनवर्ट मार्क क्लोज। चलिए देखते हैं सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम ही को ही राइट करेंगे, प्रोनाउन सेड टू आ गया, सेड टू आने का मतलब है कि टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है, मी गिवन है, मी को एज इट इज राइट कर लें, इस पे मैंने कल भी फोकस किया था, सेड के बाद जब टू आएगा तो टोल्ड में लिखेंगे, टोल्ड के बाद आप टू राइट कर दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी कनेक्टिंग वर्ड दैट, क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस गिवन है, असर्टिव सेंटेंस होगा मींस कनेक्टिंग वर्ड क्या यूज करेंगे हम, दैट, ठीक है। इधर एंट्री जैसे करेंगे, फाइंड आउट करेंगे सेंटेंस कौन सा है, तो असर्टिव सेंटेंस है। चलिए अब देखते हैं पहला स्टेप, यहाँ गिवन है आई, आई क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन किस पर्सन का है ये फाइंड आउट करना होगा, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट रूल में इस प्रोनाउन का ही लिख पाऊंगा, आप बिल्कुल इसके लिए घबराइएगा नहीं कि कैसे इसको चेंज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, रूल होता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, ही है, ही सब्जेक्टिव केस है, आई भी सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पर ही हो जाएगा। आप देखेंगे टेंस कौन सा है, आई एम डूइंग माय वर्क मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में, क्योंकि इधर का टेंस पास्ट में दिया हुआ है, तो ही वाज डूइंग। अब देखिए एक प्रोनाउन और मिल गया हमें माई वर्क, हालांकि प्रोनाउन तो ये नहीं है क्योंकि वर्क के साथ आया हुआ पजेसिव एडजेक्टिव है, फिर भी इसको ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और इसी के साथ वर्क ऐड कर देंगे, मींस ही टोल्ड मी दैट ही वाज डूइंग हिज वर्क। आसानी से सेंटेंस आप बना सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि आपने रूल्स नोट कर लिए हैं, लर्न कर लिए हैं, तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में आपको प्रॉब्लम तब होगी जब आपको टेंस में प्रॉब्लम होगी, आप टेंस नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे सेंटेंसेस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक दो सेंटेंस और प्रैक्टिस में देखते हैं, उसके बाद हम नया रूल बताते हैं, ठीक है। सेंटेंस है जैसे राधा सेड टू मी कॉमा आई हैव डन माय वर्क, ठीक है, आई हैव डन माय वर्क। तो अब यहाँ राधा सेड टू मीन्स फिर से सेड टू हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, मी को मी राइट करेंगे, कॉन्जेक्शन फिर से दैट का यूज करेंगे, आपका सेंटेंस हमसे पहले बन जाना चाहिए। आप जब भी वीडियो देखिए अपना नोटबुक और पेन लेके बैठिए और जो मैं बता रहा हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाने की कोशिश भी करिए, फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो राधा टोल्ड मी कंजक्शन दैट, आई फिर से बदलेगा, राधा में राधा लड़की है, लड़की के लिए शी का यूज करेंगे, ठीक है, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, शी का यूज हो जाएगा। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्यों प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शी हैड डन। अब माई वर्ब दिया है, फिर से माई बदलेगा राधा में, राधा शी होती है, शी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डन हर वर्क, ठीक है, मींस राधा टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर वर्क। आसानी से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ओके।
So, एक दो सेंटेंस इसके और प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद नेक्स्ट रूल। इस सेंटेंस लिखा हुआ है राम सेड टू मी कॉमर्ट कामा ही प्लेज फुटबॉल वेल। वो अच्छे से फुटबॉल खेलता है। इनोट मार्क क्लोज। ठीक है, तो हमें फिर से यहाँ सेड टू मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा आप तेजी से भी बना सकते हैं सेंटेंस को। सेड टू को आप टोल राइट कर सकते हैं, कंजक्शन मी को मी राइट करेंगे, कंजक्शन दैट राइट करेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ही रिटेन हुआ है, रिटेन है। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, आप जैसे ही राइट है वैसे राइट कर लेंगे। अब देखेंगे टेंस कौन सा, प्लेज फुटबॉल वेल, प्लेज आ गया मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो ही प्लेड फुटबॉल वेल। ओके, तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसको फॉलो करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं यदि आपको अच्छे से रूल समझ में आ रहे हैं। तो अभी तक यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ यदि आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, यदि कोई प्रॉब्लम भी लग रही है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि ये प्रॉब्लम है या फिर मुझे अच्छा लगा वीडियो, आई होप यू विल डू इट। ओके, तो एक सेंटेंस और देखते हैं इसका, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, जैसे तो ये क्लियर होगा, ही प्लेस था तो प्लेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो गई ही प्लेड फुटबॉल। वेल यहाँ ही हमने क्यों नहीं बदला, प्रोनाउन है बट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, शालिनी सेड, ठीक है, शालिनी सेड का माइनोरेटेड कॉमा आई हैव लॉस्ट माय बुक। ठीक है, इनोट मार्क क्लोज। तो अब देखते हैं कैसे क्या दिया हुआ, शालिनी को आप शालिनी राइट करेंगे, सेड को आप सेड राइट करेंगे, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल में नहीं बदल सकते। शालिनी शेड कंजक्शन का यूज करेंगे, दैट का यूज, आई गिवेन है फिर से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शालिनी के लिए शी का यूज करेंगे। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लॉस्ट इज होता है, माई बदलेगा शालिनी में, शालिनी के लिए शी का यूज करते हैं, पजेसिव फॉर्म है, तो शी की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, शी हर हर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, बुक हो जाएगा। आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ऐसे सेंटेंस बनाने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रूल नंबर 5 नोट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। देखते हैं रूल नंबर 5, प्रोनाउन चेंज, मींस ये जो मैं बता रहा था कि प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आप एक चार्ट ड्रा कर लीजिए ताकि हर चीज आपको आसानी से समझ में आ सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप ब्लैंक बना लीजिए मेरे साथ, इस चार्ट को आप बनाते रहिए। यहां पे आप नोट कर दीजिए पर्सन, यहां पे आप नोट करिए सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर पजेसिव केस। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पर पर्सन में आप सबसे पहले राइट करेंगे फर्स्ट पर्सन, यहां पे हम दो ब्लैंक बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा रेस करते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे लेते हैं। ठीक है, और यहां पे दो ब्लैंक बना देंगे इसमें पजेसिव केस में। ओके, तो एक हेडिंग यहां पे बढ़ा लेंगे, यहां पर डाल देंगे पजेसिव एडजेक्टिव, यहां पजेसिव
प्रोनाउन, बस इतना आपको ध्यान रखना। पजेसिव केस है बट पजेसिव में टू पार्ट है, एक पजेसिव एडजेक्टिव होगा, एक पजेसिव प्रोनाउन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी, इसका पजेसिव फॉर्म क्या होता है, माई और माइन, ये आपको ध्यान रखना है। तो माई क्या है, पजेसिव केस है बट ये पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई नाउन आता है, जब नाउन आएगा तो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ओके, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, वी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यहाँ पर आर होता है, प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आस हो जाएगा। ठीक है, आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, सेकेंड पर्सन यहां डाल देंगे, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में क्या है, यू आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, इसका पजेसिव केस योर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, एक और होता है दाऊ दी दाई बट कोई नीड नहीं है उसकी। ठीक है, अब हेडिंग डाल देंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन में क्या आता है, सबसे पहले ही, उसके बाद शी, उसके बाद इट, उसके बाद दे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, यहां क्या हो जाता है, हिज, यहां पर भी क्या होगा, हिज होगा। ठीक है, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, यहां पर भी हर, यहां पर हर्ष होता है। ठीक है, इट का क्या होता है, इट, यहां क्या होता है, इट्स होता है, इसको लेफ्ट कर दो। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, देम, यहां पर देयर, यहां पर देयर्स। तो ये आपको समझना होगा, ये प्रोनाउन का जो है, पर्सन प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो कैटेगरी है, इसको आपको समझना होगा। जब मैं बोलता हूं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो आपके माइंड में आना चाहिए आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, ये आना चाहिए। ठीक है, सेकंड पर्सन में जैसे नाम लू सेकंड पर्सन, तो आपको रट जाना चाहिए यू, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में नाम लू ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, अस, इट, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। तो ये पर्सन प्रोनाउन यदि हमें याद होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोनाउन के चेंजेस में, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये आप चार्ट बना लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद में, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करता हूं। आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो अब देखते हैं कि ये कैसे चेंज करते हैं, इसको चेंज कैसे करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहीं पे मैं मेंशन किए दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप चाहें तो पूरा नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये भी आप नोट कर लीजिए, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आप नोट कर लीजिए नो चेंज, नो चेंज। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं, कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से मैं बताऊंगा कैसे इसको आप चेंज करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखते हैं कुछ सेंटेंस, जैसे आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन, मैं शॉर्ट में नोट कर दे रहा हूं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, आप फिर से शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आप नोट कर सकते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। ओके, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। इसको और एक रूल आप नोट कर सकते हैं, सन, अक्सर लोग ये रूल बता देते हैं, अच्छे से समझ में इसमें भी आ जाएगा, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन एन से नो। तो ये भी आप लर्न कर सकते हैं सन बटे 1 2 3 123। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ऐसे भी आप इसको याद रखने के लिए पूरा ना राइट करके आप शॉर्ट में भी नोट कर सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं। टेंस का बदलना आ गया, अब प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे इसमें अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट वीडियो इसको आप अच्छे से वॉच करिए, नोट डाउन करिए, लर्न करिए और नेक्स्ट वीडियो देखना जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ सेंटेंसेस में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इनको चेंज करेंगे अच्छे से समझ में आ सके। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए और हाँ, ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।